मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ को स्टेरॉइड की हाई डोज दी गई। साबिक वजीर आजम के लंदन तक महफूज सफर के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं। नवाज शरीफ लंदन में तिबी मुआयने के बाद अमरीका जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने समाजी रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को सफर के दौरान खतरात से बचाने के लिए स्टेरॉइड की हाई डोज और अद्वियात दी गई हैं। डॉक्टर से वो तमाम तिबी एहतियात पेश नजर रखी जिनके जरिए मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन तक महफूज सफर यकीनी हो सके। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ का लंदन में तिब्बी मुआयने के बाद अमरीका जाने का प्रोग्राम है। कौम से साबिक वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की दरखास्त है। नवाज शरीफ इलाज के लिए कतर से आने वाली एयर एम्बुलेंस में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए। इससे कबल नवाज शरीफ जाती उमरा से एयरपोर्ट पहुंचे। साबिक वजीर आजम का एयरपोर्ट पर भी मेडिकल चेकअप किया गया। मरियम नवाज एयरपोर्ट ना गईं, उन्होंने जाती उमरा से ही वालिद को अलविदा कहा।